अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से आरक्षण बिल जो संसद में स्पेशल संसद बुलाकर जो पास हुई है, ये हम लोग का खुशी की बात है। मगर ये लड़ाई हम लोग को बहुत दिन से चल रहा है। आप लोग जानते हैं 1996 में हमारा CPI की संसद गीता मुखर्जी ने 22 सितंबर को ये संसद में उठाए थे, जहां वृंदा करात भी थे, और ये लड़ाई तब से उस समय राज्यसभा में ये पास हुई थी, मगर लोकसभा में ये पास नहीं हुई थी क्योंकि उसका संख्या गरिष्ठता नहीं थे। आज मोदी सरकार ने 2014 में आने से पहले उनका वादा था जो महिला संरक्षण बिल वो पास करेंगे और साल में प्रत्येक साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, मगर हम लोग देखते देखते 2014 से 2023 तक पहुंच गए, अभी भी वो कोई भी वादा पूरा नहीं किए हैं। अब जब 2024 में सामने में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को सामने रखते हुए ये महिला लोग को आरक्षण का ये जो प्रस्ताव बिल जो पास किए हैं उसके पीछे भी एक जुमला है, क्योंकि मोदी सरकार चाहते हैं उनका चित भी उनका पट भी उनका, क्योंकि ये बिल जो अभी आए हैं ये अभी लागू नहीं होगा 2024 में। इसको लागू करने से पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिशन होगा, उसके बाद होगा, उसके मतलब ये प्रक्रिया 2029 उसके बाद भी 2035 हो सकता है, नेक्स्ट 10 साल हो सकता है। हम लोग बोलना चाहते हैं जो जब हमारे देश में महिला लोग के ऊपर में जिस तरीका से निर्यातन की घटना हो रहा है, जो मणिपुर में हुआ है 83 दिन का बाद में, जो 26 सेकंड का जो घटना महिला लोग को जिस ढंग से नग्न रूप से जो पूरा देशवासी देखा, पूरा विश्व के सामने में हमारा देश का माथा झुक गया है, उस समय भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं किए हैं। और आप लोग जानते हैं अभी 2 दिन पहले भी संसद में जिस तरीका से एक BJP का संसद एक संख्यालघु संसद के ऊपर में जिस तरीके से गालियां दी, जिस तरीके से बेसुल्की से जिस ढंग से वातावरण किए हैं, ये हम लोग को शर्म की बात है। हम लोग इसका आगे भी देखे हैं, जो क्रीड़ा मंत्री है, खेल मंत्री जो है बृजभूषण सिंह, वो भी हमारा महिला कुश्तीगीर जो हमारा देश के सम्मान के लिए सोना जीत के आए हैं, जो हमारा देश को मान सम्मान आगे उठा के लेके गए हैं, उन लोगों को साथ में भी बृजभूषण सिंह ने महिला लोगों को साथ में भी गलत इस्तेमाल किए हैं। इसके विरोध में भी महिला संगठन कुश्तीगीर लोग लड़ाई आंदोलन चलाए, मगर मोदी सरकार ने अभी तक भी उनको खेल मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पाए। तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं जो ये जो 2024 का चुनाव को सामने रखते हुए जो आरक्षण बिल को सामने लाए हैं, ये इसके लिए हम लोग को लड़ाई आंदोलन और आगे तक ले जाना होगा, और ये अभी लोकसभा चुनाव को सामने रखते हुए जिस ढंग से इसको सामने में लाए हैं वो सोच रहे हैं जो हम अपने नाव पार कर लेंगे 2024 का। मगर हम लोग बोलना चाहते हैं महिला लोग के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से दंगा हो रहा है, जिस तरीके से संख्यालघु वो ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग देखे हैं जुनेद का बारे देखे हैं, हम लोग बिल्किस बानू का जो हत्यारों को 11 को जो छोड़ दिया गया, जिस ढंग से 15 अगस्त का दिन में उन लोग को फूल माला से स्वागत किया, हम लोग जानते हैं कि ये सरकार महिला लोग को ऊपर क्या इंसाफ करेंगे। तो हम लोग इनका जो बात है ये हम लोग अच्छा से जानते हैं। हम लोग चाहते हैं जो ये आरक्षण बिल का जो वो पॉइंट रखे हैं आगे वाला को, जो 2010 में जो राज्यसभा में पास हुए थे उनको अगर पास करते तो 2024 में ये लागू हो सकता था, मगर इनका संख्या गरिष्ठ रहने पर भी ये इसको लागू नहीं किए हैं। ये दिल्ली का लड्डू दिखाने के एक और खाने का एक ये करके ये मोदी सरकार ने छोड़ा है। हम लोग अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा, और आगे दिन में भी हम लोग चाहेंगे कि इसको एक तृतीयांश संरक्षण करके, जिस तरीके से बामफोर्ड सरकार ने 1992 में महिला के लिए 33% आसन संरक्षण किए थे, केरल में 50% आसन संरक्षण किए हैं वहाँ विधानसभा में, अभी हमारा पश्चिम बंगाल में भी 50% आसन संरक्षण है, मगर ये बिल अभी जब तक ना पूरा विधानसभा में पास होके ये आएंगे तब तक ये नहीं होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जिसका बारे में हम लोग प्रचार करेंगे, और हमारा जनवादी महिला समिति की ओर से जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं आगे दिन में भी इसको कामयाब करने के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेगा।